सफाई कर्मियों, मैंने सुबह एक वीडियो बना दिया था, शॉर्ट वीडियो, और आपको बताया था कि जो आवेदन की लास्ट डेट है आपकी वो 4 अगस्त कर दी है। राजस्थान में भर्ती का मामला है, पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी छूट सरकार ने दी है। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। तो बात करेंगे राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती पर। एक्चुअली राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती चल रही है, इसके लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। जो लास्ट डेट थी वो 19 जुलाई थी, वो बढ़ा करके 4 अगस्त कर दी है, ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था। लेकिन इसमें दो कैटेगरीज को और भी छूट दी है, उनको बेनिफिट दिया है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन पे। पहले तो ये हो रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में या गवर्नमेंट स्कीम में जो भी सफाई कर्मी थे उनको सर्टिफिकेट देने के बाद छूट दी जा रही थी, भर्ती में बेनिफिट दिया जा रहा था। अब यहाँ कुल 6 कैटेगरी हैं जो बनाई गई हैं। अगर यहाँ से आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। 4 अगस्त लास्ट डेट है, सुन लो, राजस्थान में सफाई कर्मी की बात कर रहा हूँ। पहले वो जो नगर निगम में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, ठेके पर हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा अगर वो सर्टिफिकेट लाएंगे तो, इस भर्ती में शामिल होने के बाद। दूसरा, केंद्र राज्य सरकार के किसी भी विभाग में अगर सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं तो। इसके अलावा तीसरा है, इनसे जुड़ी कोई भी संस्था हो, ठीक है ना, कोई भी एनजीओ जो सरकारी एजेंसीज को उपलब्ध करवाता हो सफाई कर्मी। चौथा, अर्ध सरकारी संस्थान, जैसे कि निगम हो गए, नगर निगम, बोर्ड, बिजली विभाग, जल निगम, इस तरीके से। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके अलावा निजी संस्थान, घर, स्कूल, मॉल, दुकानें, फैक्ट्री, कहीं भी आपने काम किया है सफाई का और आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो सफाई कर्मी में खिचड़ी हो गई है, और आप कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ, आपको आवेदन भरने का मौका मिल जाएगा, इससे कंपटीशन ही बढ़ेगा। लेकिन बाकी भाई काफ़ी खुश हो सकते हैं कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसी नौकरी मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये चीज़, अब मैं बता रहा था कि दो कैटेगरीज को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी वर्ग से आने वाले जो मेरे भाई बहन थे, उनको ये लग रहा था कि बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकार ने इसमें एक चीज़ कह दी है कि विधवा और परित्यक्ता को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। तो अब ये उसी कैटेगरी से हों या अदर कैटेगरी से हों, ये मामला ही थोड़ा सा अटक सकता है। तो कुल मिला के विधवा और तलाकशुदा या विधवा और परित्यक्ता की बात करें तो इनको प्राथमिकता देने की बात कही है भर्ती में। अब इससे थोड़ा सा मामला और उलझेगा, भर्ती में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा और मेरे भाइयों के आने के चांस के हिसाब से भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। खैर कोई नहीं, ये सरकार की नीतियाँ बदलती रहती हैं। फॉर्म नहीं भरा है तो 4 अगस्त तक भर सकते हैं। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की बात कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूज़ वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शॉर्ट वीडियोज़ को भी लाइक और शेयर करना मत भूल जाना।